पल्सर 125 का प्राइस है 1,10,000। अब कोई 9,000 रुपया जमा करता है सिर्फ और सिर्फ, और वो फाइनेंस में लेना चाहता है क्योंकि भाई धनतेरस दिवाली आ रहा है और फेस्टिवल के टाइम में लोग बाइक फाइनेंस में लेते हैं। तो भाई 9,000 जमा करके पल्सर 125 यदि आप लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको एक साल के लिए ईएमआई कितना जमा करना पड़ेगा, 2 साल के लिए ईएमआई कितना जमा करना पड़ेगा, 3 साल के लिए ईएमआई कितना जमा करना पड़ेगा, और एक साल में एक्स्ट्रा यदि आप 1 साल का फाइनेंस करवाते हैं तो भाई 1 साल के यानी 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो भाई पल्सर 125 का प्राइस कितना है, 1,10,000 है, ठीक है। आपने यहाँ पे जमा किया कितना, आपने यहाँ पे 9,000 जमा किया। अब भाई 1,10,000 में 9,000 को माइनस कर देंगे तो भाई कितना पैसा बचेगा, 1,01,000 बचेगा। अब भाई 1,01,000 का लोन होगा तो भाई 1,01,000 में प्रोसेसिंग चार्ज आप ऐड कर लीजिए 3,000। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोई भी कंपनी फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब भाई प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे कंपनी 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेगी, तो भाई 1,01,000 में 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज आप ऐड कर देंगे तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,04,000। अब भाई 1,04,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं। तो भाई 1,04,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के लिए, क्योंकि भाई हम यहाँ पे 1 साल का फाइनेंस डिटेल्स आपको समझा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे 1,04,000 का 10% में 10,400 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 10,400 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,04,000 से, तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 1,14,400। अब भाई 1,14,400 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 साल से, और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं 1,14,400 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,14,400 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे ईएमआई निकल के आया है 9,533 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1 साल वाला में ईएमआई निकल के आया है, यानी हर महीना आपको देना पड़ेगा 1 साल तक, यानी 12 महीने तक 9,533 रुपया। और 1 साल में यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा जो बाइक का प्राइस है उससे हट के मैं आपको बता दूँ, 14,400 रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये 14,400 बोल रहे हैं, 10,400 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 10 और 3 हो जाता है 13, यानी 13,400 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए अब 2 साल का समझते हैं। बाइक का प्राइस 1,10,000, आपने यहाँ पे जमा किया 9,000, माइनस करेंगे 9,000 को 1,10,000 में, पैसा बचेगा 1,01,000। ध्यान से सुनिए, 1,01,000 में प्रोसेसिंग चार्ज एड होगा 3,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,04,000। 1,04,000 का 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। आराम से सुनिए और ध्यान से सुनिए मेरे भाई, वीडियो शॉर्ट में ख़त्म करेंगे। तो भाई यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना, 20,800 यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। भाई 20,800 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,04,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे 1,24,800। अब भाई 1,24,800 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 2 साल से, और 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 1,20,800 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,20,800 को 24 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो यहाँ पे ईएमआई निकल के आया है 2 साल वाला में 5,033 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 5,033 रुपया यहाँ पे 2 साल वाला में ईएमआई निकल के आया है, और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे कितना लगा, देखिए 20,800 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज। भाई टोटल पैसा हो जाता है 23,800, यानी 2 साल में 23,800 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लगा। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझ लेते हैं। बाइक का प्राइस है क्या, कितना, 1,10,000, वहीं से शुरुआत करेंगे, चाहे वो 1 साल का करवाएं, 2 साल का करवाएं या फिर 3 साल का करवाएं, ठीक है। तो भाई 1,10,000 बाइक का प्राइस है, 9,000 जमा किए, 1,01,000 बचा, 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज, टोटल पैसा जो है भाई 1,04,000। 1,04,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए, तो भाई यहाँ पे 30,000 यानी 31,600 यहाँ पे रेट ऑफ 31,200 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 3 साल का, ठीक है, 1,04,000 में 10% में। अब भाई 31,200 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,04,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाता है 1,35,200। अब भाई 1,35,200 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 3 साल से, और 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,35,200 को, 3,755 रुपये, यानी 3 साल वाला में जो ईएमआई निकल के आया है 3,755 रुपया, और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको लग गया कितना, 31,200 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज मान लीजिए। भाई तो 31 और 3 हो जाता है 34,000, यानी 34,200 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 1 साल से लेकर 2 साल और 3 साल का कंप्लीट फाइनेंस डिटेल्स पल्सर 125 का मैंने बताया है।
वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो पल्सर 125 लेना चाहते हैं धनतेरस में, दिवाली में, और धनतेरस दिवाली से पहले ही वीडियो को शेयर करें ताकि वो देख पाएँ, समझ पाएँ, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।